तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी फ्रैक्शन का डेफिनेशन बताया और एक चीज और, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के पास जाने से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि 2/5 इसको बहुत सारे तरीके हैं इसको प्रोनाउंस करने का। इसे 2/5 भी पढ़ सकते हैं, 2/5 भी पढ़ सकते हैं, या 2/5 भी पढ़ सकते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, 2/5 भी पढ़ सकते हैं, 2/5 भी पढ़ सकते हैं, या 2/5 भी पढ़ सकते हैं। अब जो ऊपर वाला पार्ट है उसको न्यूमेरेटर बोलते हैं और नीचे वाला जो पार्ट है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है उसको न्यूमेरेटर बोलते हैं और नीचे वाला जो पार्ट है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमेरेटर का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अंश होता है और डिनोमिनेटर का मतलब हर होता है। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के पास। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन के पास जब सबसे फर्स्ट में हमको मिलता है लाइक फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में समान हर वाले भिन्न कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन यानी कि समान हर वाले भिन्न। उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में असमान हर वाले भिन्न कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन जिसको हिंदी में असमान हर वाले भिन्न कहते हैं। उसके बाद यूनिट फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में इकाई भिन्न कहते हैं। यूनिट फ्रैक्शन को हिंदी में इकाई भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित भिन्न कहा जाता है और समभिन्न भी कहा जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसको हिंदी में उचित भिन्न भी कहा जाता है और समभिन्न भी कहा जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में अनुचित भिन्न या विषमभिन्न कहा जाता है। उसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न कहा जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन सबका डेफिनेशन पढ़ेंगे और सबको विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करेंगे। आप पढ़ते रहिए, अघर से रहिए, सुरक्षित।